देखिए मैं समझाता हूं, दिस इज योर फूड बॉल ऑफ द कंट्री, भर भर के केमिकल्स का यूज होता है, उस केमिकल के दुष्प्रभाव से वहां बहुत सारे लोग कैंसर के पेशेंट्स हैं। इन ट्रेनों में 80-90% लोग कैंसर के पेशेंट जो ना दिल्ली मुंबई ट्रीटमेंट और बाकी कार्यालय ट्रेवल करते हैं, क्योंकि वो मेजोरिटी में होते हैं तो पॉपुलरली उन्हें कैंसर ट्रेन कहने लग गए हैं। हमें उसका समझना पड़ेगा। पेशेंट तो जो है ना लूज वर्ड है, किडनी का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट, इस टाइप के पेशेंट रहते हैं। आप देखिए, आप जो देखिए, हमारी विद्वत्ता यहीं पे घातक होती है। हम क्या करते हैं उसमें थोड़ी सी मिलावट कर देते हैं, तो जिस इंटेंसिटी से बात हो रही है वो इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। आपने कैंसर ट्रेन को पेशेंट ट्रेन बना के, जस्ट ए मिनट, उस बात की इंटेंसिटी को खत्म, जस्ट ए मिनट, अभी मुझे बात को आगे बढ़ाने दो। तो पंजाब से इसलिए कैंसर ट्रेन चल रही है कि दे आर ओवर यूजिंग द केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, राइट। आपकी मिट्टी जो है ना मृत प्राय हो गई है, विषाक्त हो गई है। आज यदि आप वो जहर नहीं डालेंगे तो आपको खद्दान ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि उस पर आपकी मिट्टी तो जीवित ही नहीं है, तो आपको वो जहर डालना आपकी मजबूरी हो गया है। नाउ इट रिक्वायर्स द होल करेक्शन। अब एक दिस इज वन। अब अपन कहते हैं कि किसान अन्न देवता है, मुझे तो कोई देवता समझ नहीं आता, मुझे तो सब चारों तरफ लोग दुष्ट दुष्ट नजर आते हैं। अब आप ये बताइए, ये जो किसान देवता है, ये जो है आपको विषाक्त खद्दान पैदा कर रहे हैं। एक किसान देवता अपने गाय भैंसों बकरियों मुर्गियों फलों सब्जियों सब में हार्मोन के इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये हार्मोनल इंजेक्शन आल्सो जो है ना, इट इज कार्सिजनक और इट इज कॉजिंग ऑटोनोमस डिसीजेस। ये ऑटोनोमस डिसीज जानते हो क्या होती है? कैंसर क्या होता है? कैंसर किससे होता है? कैंसर क्या है? कैंसर क्यों होता है? कैंसर किस बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है? मतलब कैंसर वायरस या बैक्टीरिया से नहीं होता है ना, राइट। तो इसका मतलब है कि हमारी सेल जो है वो जैसा बिहेव करना चाहिए वैसा बिहेव नहीं कर रही है। उसको यदि हम सही भाषा में कहें तो उसको ये हमारी बात तो मैं राइट, ये भी बात की नहीं हुई, ठीक है ना। तो जो सेल जिसमें सदियों की मेमोरी भरी हुई है, जो कभी कंफ्यूज नहीं होती है, आप चाहे केला खाओ चाहे डोसा खाओ चाहे इडली खाओ, वो आपके ही खून में आपके ही सेल में कन्वर्ट करती है, वो कभी कंफ्यूज नहीं हुई। हमारी दुष्टता की कितनी पराकाष्ठा है, ऐसी चमत्कारी सेल को भी हमने कन्फ्यूज कर दिया। और कन्फ्यूज दो तरीके से किया, जब वो ओवर ग्रो करने लग जाती है तो हम उसको कहते हैं बेनाइन से मेलाइन हो गई है। मेलाइन होने का मतलब है मैलिग्नेंसी मींस कैंसरस, राइट। और दूसरा, जब एक सेल अपने ही दूसरे सेल को मारने लगे, इसको कहते हैं ऑटोनोमस डिसीज। इसका मतलब क्या है कि हमारी सेल कंफ्यूज हो गई है, वो अपने सेल को नहीं पहचान पा रही है और उसे दुश्मन मान के उसे मारने लगी है, उसे फॉरेन बॉडी मान के मारने लगी है। दिस इज द ऑटोनोमस डिसीज। दोनों चीजों का मुख्य कारण क्या है कि वी कुड सक्सेसफुली कमिट सो मच एट्रोसिटी ऑन अवर सेल कि इट गॉट कंफ्यूज्ड। एक चमत्कारिक सेल को हमारी दुष्टता ने कंफ्यूज कर दिया है। हम इतने बड़े दुष्ट हैं, छोटे मोटे दुष्ट नहीं है, हम बहुत बड़े दुष्ट हैं। और हम अपने आपको इंटेलेक्चुअल कहना चाहते हैं, हम आपको सब कुछ कहना चाहते हैं, और हम अपने आपको देवता भी कहना चाहते हैं, हम आपको अन्न देवता भी कहलाना चाहते हैं। अरे हम सब दुष्ट हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे किसान हो। और ये दुष्टता जो है ना, इस दुष्ट भरे माहौल से आई है, इसको प्यूरिफाई करने की जरूरत है। तो अब तो ये हो गया इसका, अब हार्मोन्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दूध की जो बात हुई अपन ने, कि जितना दूध आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका 1/3 पैदा हो रहा है, तो 2/3 दूध जो है आपको केमिकली ओरिजिन का है। जिनके पास दो गायें नहीं है वो टैंकर टैंकर दूध भेज रहे हैं, साला किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी दुष्ट को नहीं दिख रहा है ये। भाई जो दूध खरीदता है टैंकरों में और बड़ी संख्या में, वो पूछ ले भैया कि तेरे यहाँ गाय कितनी है, भैंसे कितनी है तेरे यहाँ, समझ आ जाएगी कहानी। प्रशासन से किसी को नहीं दिखते कि टैंकरों में दूध कहाँ से पैदा हो रहा है। देवास में एक सुदगी की फैक्ट्री पे दवस देखी थी, वहां पर जो है, वहां पर उस शुद्ध घी की फैक्ट्री में शुद्ध घी का एक कण भी नहीं मिला। कनिष्ठ तो बहुत दूर की बात है, एक कण भी नहीं मिला। इसका मतलब है पूरा पूरा शुद्ध घी,
100% अशुद्ध है, राइट? तो हम महादुष्ट नहीं हुए। और ये जब आपको ये बताया मालूम हो कि आपका जो है ना, यदि इस तरीके की चीजें आप कंज्यूम करेंगे तो 4 साल तक लगातार, इसका मतलब 87% विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर। फिर आप डॉक्टर की दुख वो ले लीजिए, आपको जितनी भी दवाइयां दे रहे हो, यदि आज हम ये निर्णय ले लें कि हम आज से एलोपैथिक दवाएं नहीं लेंगे, कम भाट नॉट, मरना मंजूर है लेकिन हम एलोपैथिक दवाएं नहीं लेंगे, तो हम में से 80% व्यक्ति जो है ना ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी इसमें देख लिया ना, जिस समय सिर्फ कोरोना था उस समय कोरोना के अलावा कोई पेशेंट नहीं गया हॉस्पिटल। जो हार्ट वाला था वो भी नहीं गया, जो हार्ट वाला नहीं था, दूसरा बीमार था वो भी नहीं गया, शुगर वाला भी नहीं गया, मतलब जाने कम हो गए। सिर्फ कोरोना वाले बीमारियां घर बैठे ठीक हो गई। तो कोरोना वाले में भी तो जो लोग मरे हैं वो इनके कारण मरे हैं, या फिर अपने कारण मरे डर के। ज्यादा से ज्यादा लोग डर के मारे मर गए और बाकी के लोग जो है अव्यवस्था में मर गए। चलो अब इसको, अब जो है तो जो केमिकल मॉलिक्यूल आप खा रहे हैं वो भी उसी एट्रोसिटीज में जा रहे हैं। आपको मालूम है कोरोना के लिए जो 4 दवाइयां दी गई हैं उनमें से एक दवा है सुसाइडल टेंडेंसी करती है। रिसर्च करो कितने लोगों ने सुसाइड किया कोरोना के समय। एक दवा है, एक एंटीबायोटिक ऐसी है कि उससे जो है डिप्रेशन होता है। लोग एक साल पहले ठीक होंगे आज भी डिप्रेशन में है। और आपने शायद रिसर्च पढ़ी होगी कि जिनको भी कोरोना हुआ है दे आर ससेप्टेबल टू हार्ट अटैक। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? कौन सा बोलिए? सुसाइडल है? सुसाइडल वाली कौन सी मेडिसिन? मैं, I don't want to elaborate on the things. आप रिसर्च करो कुछ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आपको वायरस हुआ है और कोई भी वायरस किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं मरता है, तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ आपके शरीर में कोई घाव हुआ था, आपको एंटीबायोटिक क्यों दिया ये बताओ मुझे। और हमारे डॉक्टर जो है ना कहते हैं हमारा तो प्रोटोकॉल है, खांसी होती तो आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं, आपको वायरल फीवर होता तो एंटीबायोटिक दे देते हैं। या आपके शरीर में घाव है क्या, एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हो आप? सिर्फ नोट कमाने के लिए? और यदि जरूरत है तो आप मुझे इविडेंस बेस्ड एंटीबायोटिक दो ना। आप प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हो व्हेन यू नो दैट वायरस कैन नॉट बी किल्ड बाय एनी एंटीबायोटिक? तो शुद्ध दुष्टता नहीं है। और जब आपके पास कोरोना की कोई दवाई नहीं है, अच्छा आपने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि 85% लोग जो को कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तो सुना होगा राइट? वो भी मर गए जो 85% की कैटेगरी में थे, जिनका कोरोना कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था। कैसे मरे वो जानते हो? मैं बताता हूं कैसे मरे वो। वो डर के पहुंच गए हॉस्पिटल, चाहे उनको किसी भी कारण से खांसी वांसी कुछ भी हुआ, वो डरे और पहुंच गए। वहां पर जो है आपको ये खतरनाक चीजें दी गई और बाद में उन्होंने स्टेरॉइड दे दिया, आपकी इम्यूनिटी को खत्म, स्लीप करा दिया, वीक नहीं किया, स्लीप कर दिया, सो गई आपकी इम्यूनिटी। तो फिर आपको जो है ना 15% तो आप क्यों थे 15% में जो है ना 85% को क्यों नहीं होना था यदि उनकी इम्यूनिटी जागती रहती? तो इसमें वो लोग भी मर गए जिनको शायद ये भी नहीं मालूम पड़ता कि हमें कोरोना हुआ है, मतलब कोरोना उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, ऐसे लोग मर गए हैं। जो आपने कहा डर के कारण वो अस्पताल पहुंचे, मरे जो है ना वो ट्रीटमेंट के कारण। आप ये बताओ जिसने नींबू का रस डाला है एक व्यक्ति भी अस्पताल पहुंचा क्या? एक व्यक्ति अस्पताल नहीं पहुंचा। और हमें तो ऐसे ऐसे खतरनाक केस मालूम है, NDTV केस के उसके उनके हमने वीडियो ऑडियो भी जारी किए थे, उनसे हमारे जो ना रिंकू चौरसिया ने उनसे बात कराई कि सर हमने इनका ट्रीटमेंट किया, ढेर सारे उसमें लोगों से मेरी बात कराई, हमने उनके ऑडियो जारी किए थे, I have issued their audios, जो हमारी खुद की बात हुई उनसे। हमने उनसे पूछा दुष्टों से कि भैया जब तू ठीक हो गया और तेरी इतनी बुरी हालत थी तो तू जो ना कहता क्यों नहीं हमने चैनल में? बोले सर हमारे कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। ये सब चैनल बिके हुए हैं, बोलने को तैयार नहीं, सुनने के लिए बिके हैं, बोल रहे हैं। इन सब कारणों से 5 साल के अंदर आप जो कह रहे हो कि जो ग्लेशियर रिड्यूस हो जाएगा, 12 शहर डूब जाएंगे, तो छोटी मोटी चीजें हैं। जो मैं कह रहा हूं अब उसको ध्यान से सुनो, मैं एटम बम फोड़ रहा हूं अभी। जो चल रहा है यदि इसमें इंटरवेंशन क्राइम फ्री भारत जो सजेस्ट कर रहा है यदि वो नहीं किया जाता है तो 5 साल डाउन द लाइन हर 3 में से 2 व्यक्ति को कैंसर होगा और उसको अटेंड करने के लिए एक आदमी लगेगा।
इसका मतलब है 99% पॉपुलेशन विल बी बिजी विद द कैंसर और कैंसर रिलेटेड थिंग्स. कोरोना के समय दुष्ट डॉक्टरों ने बता दिया कि उनका काम तो पैसा बांट बनाना है, तो वो तो आपका कोई ज्यादा मदद करेंगे नहीं, वो आपको सत्य भी नहीं बताएंगे. जब 99% पॉपुलेशन कैंसर या कैंसर रिलेटेड अफेयर से जूझ रही होगी, तो आप मुझे बताइए आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, आपकी साइकोलॉजिकल स्थिति कैसी होगी, आपकी इमोशनल स्थिति कैसी होगी, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी होगी. अब अपन बात कर लेते हैं, ये तो अभी आपकी बात कर रहे हैं, नाउ आई एम टॉकिंग आपका एग्रीकल्चर कैसा होगा, आपकी इंडस्ट्री कैसी होगी, आपका सर्विस सेक्टर कैसे चलेगा. क्या आप ये कहेंगे सर वो आपसे मांग रहे हैं, मैं जरा अपने फादर का ये कीमोथेरेपी करा रहा हूँ, उसको करा के मैं सर शाम को 5 बजे तक आ जाता हूँ, प्लीज प्लीज इग्नोर माई डिले, ये कहोगे? नहीं, वट काइंड ऑफ द सर्विस सेक्टर वुड बी देयर? क्या आप उससे कहोगे कि नहीं जरा मैं तो बिजी हूं, मेरा जो ना इनकी कीमोथेरेपी है, मैं जो है ना आज बीज नहीं बो पाऊंगा? नहीं नहीं, वट वी वुड बी डूइंग है, मुझे ये बताओ ना. इट इज ए वेरी बिग कॉल. 4 साल 5 साल निकलने में देर नहीं होगी. ये सरकार तो सोती रहेगी, सरकार को क्या है, सरकार को तो जो है फार्मास्यूटिकल कंपनियों की और बिक्री बढ़ेगी, चाहे आप जो ना लूट खसोट डकैती करके लाओ, कैसे भी लाओ, उनका तो लिए तो अच्छा है, वो सबको भर भर के पैसा भी बांट देंगे, तो लिटोगे पिटोगे तो आप ना. ऐसे भी हमसे ले के बारे में तो एक समय आ गया है कि हम लोग जो है इन सब चीजों से बाहर निकले. क्या सोचते हो? एक्शन प्लान.